ओके जय हिंद प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके मिड टर्म के एग्जाम के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर ही आपका हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये 21 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया जाना है। ठीक है, तो बच्चे हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उन्हें पता होगा कि आज के इस पेपर को कराने से पहले हमने आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑलरेडी आपको दो सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए थे और आपका कमेंट भी फीडबैक भी आया था कि यस सर तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, लेकिन पिछले दो तीन दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर जी दो सैंपल पेपर इनफ तो है लेकिन हम कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इसलिए आप सैंपल पेपर नंबर 3 भी लेके आइए। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली आपकी डिमांड पर सैंपल पेपर नंबर 3 लेके आए हैं और इसमें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस लिए हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आपको दो सैंपल पेपर के जो वीडियोस हैं वो भी देखने हैं तो मैं एक काम करूंगा कि वो जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से जाके उसको जरूर देख लेना, सारी की सारी वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने दो सैंपल पेपर ऑलरेडी देखे होंगे उन्हें पेपर का पैटर्न पता होगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अभी जागे होंगे और सोच रहे होंगे सैंपल पेपर देखते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके एक बार बता देते हैं। अगर आपने देखा हुआ है पता है तो आप 2 मिनट आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आने वाला है। ठीक है, पेपर में टोटल जो है वो आपके 32 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 6 खंड आपके होने वाले हैं। ठीक है, खंड आपका जो का यानी कि सेक्शन ए जो है इसमें 1 से 20 ये टोटल आपके 20 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, खंड खा जो रहेगा आपका इसमें एक ही क्वेश्चन होगा और ये 3 नंबर का रहेगा स्रोत आधारित एमसीक्यू वाला। ठीक है, फिर खंड गा आ जाता है इसमें हमारे 22 से 25 3-3 नंबर के बेसिकली 4 क्वेश्चन होंगे बच्चों जिनका आंसर आपको ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में देना। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आपको 3 नंबर में ना जो एक क्वेश्चन होगा पहला या फिर आखिरी वाला उसमें अथवा भी मिलेगा। ठीक है, फिर खंड घा आ जाता है, ये बहुत बड़ा आपका सेक्शन है भाई क्योंकि इसमें क्वेश्चन 26, 27, 28 ये आपके 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन है, अकेला ये सेक्शन 24 नंबर का आने वाला है, याद रखना। और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में तो आपको पता ही है कि तीनों में ही आपको अथवा भी मिलता है। ठीक है, फिर आपका सेक्शन 5th आ जाता है जिसमें हमारे 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो कि स्रोत आधारित होने वाले हैं। और सेक्शन ई जो रहेगा, ठीक है ना, सॉरी सेक्शन एफ जो है बेसिकली ये 5 नंबर का एक मैप आएगा जिसमें 3 नंबर में अंकित किया हुआ नाम रहेगा वो पहचानना होगा और 2 नंबर में आपको इंडिकेट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पेपर का पैटर्न है। तो अब ध्यान से समझिए, ये जो हमारा आज की इस वीडियो में हम सैंपल पेपर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये आज की वीडियो पेपर नंबर 3 का पार्ट 1 होगी। ठीक है, जिसमें हम खंड का खा और गा इन तीनों को समझ लेंगे। ठीक है, बाकी बचेगा आपका घा और ये 5वां और 6ठा, इसको हम पेपर 3 के पार्ट 2 की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 का लिंक जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे दूंगा उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और स्पेशली पार्ट 2 का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप वहां से भी जाके इसे जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। सेक्शन ए में जो है 1 से 20 आपके 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 21 जो क्वेश्चन ये केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड रहेगा, 3 नंबर का एमसीक्यू। ठीक है, सेक्शन सी में आपके 3-3 नंबर के 22 से 25 3 नंबर के 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और सेक्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 8 नंबर के बेसिकली 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ई में आपके 5 नंबर के जो है वो 3 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन एफ में 1 क्वेश्चन होगा, ये 32 है बेसिकली मैप वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ गए। अब एक चीज को ध्यान से समझो, ये जो पेपर है जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक पेपर को हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से समझते हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं उनके लिए भी हम आंसर को प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि हिंदी में आप समझ जाएं और इंग्लिश में आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, सिंपल सा, है ना। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें टोटल हमारे अभी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आपसे ना मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ जब एमसीक्यू के क्वेश्चन करवाता हूँ कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है आप मेरे द्वारा आंसर देने से पहले अपने मन ही मन में
या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में जरूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर आप गलत देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही क्या था और आपके दिमाग में छप जाएगा वो कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा आया था पेपर में, ठीक है, और जब एग्जाम में आएगा तो आपको पता चल जाएगा और साथ ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि भाई आपने कितनी तैयारी कर रखी है अपनी, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। चलिए तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आप सभी बच्चों को आता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जो हमारी हड़प्पाई लिपि है यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है बेसिकली, आखिर इसकी इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो हम सभी को पता है बच्चों कि हड़प्पाई जो लिपि है ये एक रहस्यमय लिपि है, इसीलिए आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। और रहस्यमय किस लिए है, क्योंकि ये लिपि वर्णमालाई लिपि नहीं है, ठीक है ना, वर्णमालाई लिपि नहीं है और इसमें जो है वो 375 से लगभग 400 चिन्ह है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक वर्ड तक का ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हो पाया। और नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो लिपि थी ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है कि यह लिपि वर्णमालाई लिपि है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। द स्क्रिप्ट इज अल्फाबेटिकल, जैसे हमारी देवनागरी लिपि है तो वो वर्णमालाई लिपि है लेकिन ये नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो सम्राट अशोक के अभिलेख है, ठीक है, इसमें किस लिपि का उपयोग किया गया है। तो आप ध्यान से समझिए, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 2 में ना दो लिपियों के बारे में बताया गया था, ठीक है, एक ब्राह्मी लिपि थी और एक खरोष्ट लिपि थी। तो आप सिंपल सी बात है, संस्कृत नाम की कोई लिपि नहीं है, ठीक है, फारसी कोई लिपि नहीं है, लिपि है देवनागरी या फिर ब्राह्मी, और चैप्टर में तो दो ही बताई गई थी, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी वाला, ठीक है ना। तो ऐसे पता है आप ना क्वेश्चन के संबंध में जो ऑप्शन होते हैं उसको हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो कि ये डिलीट हो जाएगा और एक दो बचेगा, तो उस पर आप आसानी से समझ ही सकते हो क्या है क्या नहीं है, है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप करना, ठीक है। विच वाज हैज बीन यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, कौन सी स्क्रिप्ट की गई थी, ब्राह्मी, ठीक है, जिसका किसने निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था, ठीक है बच्चों। ओके तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी समकालीन बौद्ध ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं इसमें कितने संप्रदायों का या फिर कितनी बौद्ध जो चिंतन परंपराएं हैं इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। देखो पेपर में आपसे बौद्ध संप्रदाय या फिर बौद्ध चिंतन परंपराएं कोई एक वर्ड यूज करके पूछा जाएगा, लेकिन मैंने दोनों इसलिए यूज कर लिया ताकि दोनों ही आपको पता चल जाए, ठीक है। तो बेसिकली कितने संप्रदाय हैं, टोटल है बच्चों 64 संप्रदाय, ठीक है, इंग्लिश में ऑप्शन बी राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है कि जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, यहाँ पे स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय मात देवी थी पंपा देवी, ठीक है, उन्होंने विजयनगर का जो उत्तरी भाग है यहाँ की पहाड़ियों में एक भगवान को अपने बेसिकली पति रूप में प्राप्त करने के लिए या फिर उनसे विवाह करने के लिए तप किया था। तो आपको पहचानना है वो भगवान कौन थे, क्या वो विट्ठल देव थे, जगन्नाथ या फिर गुरुपक्ष या फिर कृष्ण देव। तो जो शब्द आपके चैप्टर में यूज किए गए हैं वो कृष्ण तो है नहीं, ठीक है, जगन्नाथ महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो यहाँ पे अब विट्ठल या फिर गुरुपक्ष बनते हैं, बचते हैं, तो कौन सा बचेगा, यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा, भगवान गुरुपक्ष को पति रूप में प्राप्त करने के लिए स्थानीय मात देवी पंपा देवी ने तपस्या की थी और फिर इनका विवाह हुआ। तो आज भी जो गुरुपक्ष मंदिर का सभागार है बच्चों वहां पे ये जो विवाह उत्सव होता है इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आ जाता है। अब इसमें बेसिकली है एक तरफ है उपसमिति और एक तरफ है उसका कार्य यानी कि संबंध किससे। तो देखो मैचिंग करने का यानी कि मिलान करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने पहले जो आपको बहुत ही आसान लगता है, जो आपको आता है, आप उसे देख लो। जैसे कि सभी को पता होगा दूसरी उपसमिति के बारे में, क्यों भाई, क्योंकि ये जो थी वो यातायात और जो सैनिक थे उनके खान पान के घोड़ों के चारे वगैरह की देखरेख करती थी, ठीक है। तो आप ढूंढ लो जिसमें पहले का बेसिकली दूसरे का सी मिल जाए, दूसरे का सी ये भी देखिए सी और डी में मिला, ठीक है। अब एक और देख लीजिए, जैसे कि पहली वाली उपसमिति है इसका काम था नौसेना का संचालन करना, तो पहले का भी किसमें है, ये रहा सी वाला, तो आंसर मिल गया हमें, सी राइट हो जाएगा। अब जैसे तीसरी उपसमिति है इसका काम था पैदल सैनिकों का संचालन और चौथी का काम था अश्वरोही, पांचवी का नाम था रथारोही, काम था बेसिकली, और छठी का बेसिकली जो भी था वो देख लेना पेपर में, ठीक है ना, मतलब आपकी बुक में होगा, ठीक है। मैन जो वो आपके लिए चार ही इंपॉर्टेंट है,
जो कि यहाँ पे मैंने आपको मैचिंग के द्वारा समझा दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, फर्स्ट का आपका जो है वो बी हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, थर्ड का आपका जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है, एंड फोर्थ का जो है आपका ए हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्या आंसर राइट होगा। बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें तीन यात्रियों के बारे में बताया गया है, उसमें ऐसा कौन सा यात्री है जिसका संबंध नारियल तथा पान से है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर फिनसावर्ग, इन तीनों में से कोई एक है, क्योंकि बुकानन तो है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड आंसर दिस वन, ठीक है। इंग्लिश देख लेंगे, वैसे आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, देख लेना जाके वीडियो के डालने के बाद में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिख धर्म के अंतर्गत जो खालसा पंथ है, इसकी नींव किसके द्वारा डाली गई थी, गुरु तेग बहादुर के द्वारा, बिल्कुल नहीं, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु अर्जन देव के द्वारा या फिर कवि जी। तो कवि जी तो बेसिकली इससे संबंधित ही नहीं है, अर्जन देव जी या फिर गोविंद सिंह जी, इनमें से कोई एक हो सकता है, तो वो है बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हमारा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह ये राइट है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, हमारे धर्म में जो चार वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है, इन चारों वर्ण के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किसमें किया गया है, धर्म सूत्र में, धर्म शास्त्र में या फिर मनुस्मृति में। तो भाई मनुस्मृति का ऐसे संबंध ही नहीं है, बेसिकली धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र इन दोनों में ही किया गया है ना, तो यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इन विच द आइडियल लाइवलीहुड फॉर द फोर वर्ण्स हैज बीन मेंशन्ड इन द बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद को सूफियों ने क्या नाम दिया था, क्या उन्हें ईश्वर बोला था, तो मुस्लिम में ईश्वर तो बोलते नहीं है, साधारण इंसान इंसान भी नहीं बोलते हैं, तो बेसिकली सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या बोला था, इंसान ए कामिल, ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है। व्हाट डिड सूफी कंसीडर प्रोफेट, जो बेसिकली पैगंबर मोहम्मद थे, इनको क्या बोलते थे, इंसान ए कामिल बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान से समझिए, इनमें से ऐसा कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि भारत में नहीं है, तो आप सभी को पता है धोलावीरा कहाँ पे है बच्चों, धोलावीरा है गुजरात में, ठीक है, राजस्थान की जो बाउंड्री है उसके नीचे में आ जाता है। आलमगीरपुर ये बेसिकली आपका यूपी में आ जाता है, यूपी में, और रंगपुरी ये आई थिंक दोनों ही यूपी में जहां तक मुझे पता है, लेकिन इतना है कि जो सुदका गेंडोर है ये बेसिकली इंडिया में नहीं है, ये पीओके में है, ठीक है, पीओके इन द सेंस पीओके नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ पे, जो बलूचिस्तान है, ठीक है ना, बलूचिस्तान यहाँ पे है ये बेसिकली, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सुदका गेंडो। आगे इंग्लिश में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब इसमें ना आपको एक ही साथ अराउंड 8 से 10 जो एमसीक्यूज हैं वो एक ही बार में पता चलेंगे, कैसे सर जी, पहले इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट पहला ये है कि जो कृष्णदेव राय का संबंध है वो किस वंश से है बच्चों, तुलुवु वंश से है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपनी राजगद्दी कब संभाली थी, 1529 में, इनकी सॉरी 1509 में, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1529 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। फिर इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो दुआब क्षेत्र था इसको कब जीता था, 1512 में, ठीक है। उसके बाद 1514 और 1520 में, 1514 में उड़ीसा, 1520 में बीजापुर के जो सुल्तान थे इनको पराजित किया और इनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, बिल्कुल ठीक है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के पास ही एक उपनगर की स्थापना करवाई थी जिसका नाम था नगलपुरम, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ 8-10 एमसीक्यू पता चल गए, वैसे तो ये सारी बातें ही राइट है ना, लेकिन कुछ एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे समझ में आ गए, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तो ये रहा सेकंड वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सभी के सभी यहाँ पे राइट हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैं बहुत ही कम टाइम लूंगा और बहुत अच्छे से आपको समझा दूँ, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके ये कंप्लीट हो जाता है, सारे के सारे आपके यहाँ पे राइट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो चांडाल है उनको सबसे नीच माना जाता है, क्योंकि हालांकि उन्हें रखा तो जाता ही नहीं है वर्ण व्यवस्था में, अलग ही रहते हैं वो, तो
इसीलिए जो अस्पृश्य यानी कि जो चंडाल होते थे इनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यह कथन किस व्यक्ति का है? ठीक है, तो ये इसीलिए चीन के एक जो यात्री थी उनका था और उसका नाम था फाशे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये जो प्रश्न है ना इसमें मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से इसीलिए सुनिएगा। देखिए 1924 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने थे 1924 में? ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आप हटा दो, दयाराम सानी, ठीक है, इसको हटा दो, बाकी आर ई एम व्हीलर, एस एन राव और जॉन मार्शल, ये तीनों ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलग अलग समय पर डायरेक्टर जनरल रहे थे। ठीक है ना, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि 1924 में कौन सा था? तो एक हिंट देता हूं, वह व्यक्ति जिसने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है इसकी घोषणा की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की थी, वो कौन है? जॉन मार्शल। और ये कब की थी सिंधु सभ्यता की घोषणा? 1924 में ही की थी। ठीक है ना, तो 1924 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की जिसे सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए ना बहुत सारे दो तीन चीजें एक साथ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी एक तरीके से कह सकते हैं आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि आरंभिक भारत का, ठीक है ना, अर्ली इंडिया का सबसे प्रसिद्ध विधिवत ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध की बात हो रही है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जैसे महाभारत हो सकता है या फिर गीता हो सकती है, लेकिन देखो यहाँ पे बात की जा रही है एक सबसे प्रसिद्ध विधिवत ग्रंथ की जब आरंभिक भारत की बात हुई है। ठीक है ना, तो महाभारत गीता वगैरह ये तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। ठीक है, एक चीज आपसे पूछी जा सकती है बच्चों कि जो मनुस्मृति से मिलते जुलते कुछ शब्द वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर कुछ वाक्य या फिर मान लीजिए कुछ श्लोक हो गए, इनको महाभारत में एक टाइम पे जोड़ा गया था, कुछ चीज को जोड़ा गया था, वो कौन सा टाइम पीरियड था? तो याद रखेंगे 200 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी के बीच में जोड़ा गया था। ठीक है ना, बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आगे देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो इंडिका किताब है इसकी रचना किसने की है? तो हम सभी को पता है मेगास्थनीज ने की है, और कौटिल्य ने किसकी रचना की है? कौटिल्य ने बेसिकली जो अर्थशास्त्र आपकी किताब है इसकी रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये देखिए इसमें बेसिकली जो सांची का स्तूप है इसको वैश्विक स्तर पर एक बेसिकली डेस्टिनेशन के रूप में कब घोषित किया गया? ठीक है, तो बेसिकली ये जो सांची का स्तूप है इसकी खोज ही हुई थी 1814 या फिर 20 के आसपास, तो पहला दूसरा तो आप मान लीजिए हटाई दीजिए, ठीक है ना, तो सी या फिर डी इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1989 में। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फिर से एक और होमवर्क को देने वाला हूं, लेकिन इस बार बहुत आसान दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो जॉन मार्शल थे इन्होंने सांची के बारे में अपना एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, एक रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, वो जो ग्रंथ था जॉन मार्शल ने ये किसे दिया था? तो आसान ऐसे करता हूं कि अधिकारी और कॉलिन मैकेंजी, आप इसे हटा दो। ठीक है, अब बचते हैं साझा बेगम और सुल्तान जहां बेगम, तो ए या फिर सी इनमें से कोई एक हो सकता है, ये आपको मुझे बताना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक जो पहले पूछा था वो, और ये 17, बाकी आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए या सी इनमें से कोई एक होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान है, इसमें बेसिकली हमें ये कथन दिया गया है, ये कथन कहा किसने है वो पहचानना है। ठीक है, तो उसने लिखा हालांकि कुछ महिलाएं जो थी वो प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अर्थात वो सती हो जाती थी, अन्य कुछ महिलाएं जो इससे नकारती थी या फिर सती नहीं होना चाहती थी उन्हें मरने के लिए जबरन बाध्य किया जाता था। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है बेसिकली बच्चों फ्रांसवा वनियर का, जब वो लाहौर जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे वो इससे एक 12 वर्ष की जो कन्या होती है वो जो विधवा हो जाती है उसको सती पिता के लिए लेके जाते हैं जलाने के लिए ना, तो उसी के बारे में ये कथन कहता है बेसिकली। ठीक है, तो ए राइट हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20,
ये दो जो आपके क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही अंदर से पूछे गए हैं, ठीक है, जिसमें 20 का क्वेश्चन तो बहुत अंदर से। क्वेश्चन देखिए 19 क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी में एक ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने कृषक समाज यानी कि किसान समाज के द्वारा सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए दो शब्दों को मुद्रित किया है, वो बताने कौन से हैं, ठीक है। अब आपको ना एक बात मैं बताता हूं कि जो टॉपिक आपको दिया पहले इसको क्वेश्चन दिया इसको ध्यान से समझो, फिर आप ऑप्शन को पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है आचरण के वर्णन की, तो आचरण के लिए देखिए भक्ति एक आंदोलन है, कृषक और वेल्लादर ये क्या है, ये तो किसानों के नाम है तो ये भी हट जाएगा, लघु तथा निर्गुण ये भी हट जाएगा क्योंकि निर्गुण तो भक्ति प्रचारक है बेसिकली। अब दो शब्द कौन से बचते हैं, महान तथा लघु, तो मिल गया आपको आंसर ऑप्शन भी अच्छे तरीके से, है ना। तो इस तरह से आप जो ऑप्शन डिलीट करने लायक है आप उसको डिलीट करके आंसर अपना निकाल सकते हो अच्छे तरीके से, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये जहां तक मुझे लगता है 95 से लेके 90% तक बच्चों को इसका आंसर नहीं पता। क्वेश्चन ये है ऐसे कौन सा उपनिषद है, ठीक है, मैथिली, श्वेतेश्वर, वैष्णव और बृहदारण्यक, इन चारों में से ऐसा कौन सा उपनिषद है बच्चों जिसमें हमें बहुत सारे आचार्यों और उनके शिष्यों की जो पीढ़ियां हैं इनकी सूची लिस्ट मिलती है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे आचार्यों को शिक्षकों को उनकी माता के नाम से भी बुलाया जाता था, उन्हें प्रसिद्धि मिली थी, तो वो किस में है बेसिकली, तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट है। तो दो क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको बहुत ही अंदर से देखने को मिले, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए का जो क्वेश्चन थे सभी के सभी एमसीक्यू वाले, ठीक है ना, टोटल 20 एमसीक्यू आपको पता चल गए, बाकी जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे बोले कमेंट में उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर बी की सॉल्व्स बेस्ड एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। अब सॉल्व्स बेस्ड एमसीक्यू के बारे में आप यहां से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जिन कहानियों में वर्णित हैं वे धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद यानी कि पिता की जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए था, लेकिन जो बड़ा बेटा होता था उसे थोड़ा अधिक भाग मिलता था, ठीक है। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन पर हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व तो माना जाता था, इसे स्त्री धन कहा जाता था, ठीक है। इस संपत्ति को उनकी संतान अपनी माता से विरासत में प्राप्त कर सकती थी और कोई अधिकार तो नहीं होता था उसके पति का, लेकिन वो चाहे तो अधिकार दे सकते थे, ठीक है। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति या फिर स्वयं को अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध चेतावनी देती है, ठीक है, यानी कि वो सही नहीं बताती। अब क्वेश्चन 21.1 क्या कहता है कि पिता से पुत्र फिर पौत्र और प्रपौत्र यानी कि आपके परदादा फिर आपके दादा फिर आपके पिता फिर आप फिर आपका बेटा आपके बेटे का बेटा उसके बेटे के बेटा, जो ये जो पूरी की पूरी प्रथा चली आ रही होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पितृवंशिकता, क्या बोलते हैं पितृवंशिकता, ठीक है। 21.2 कहता है कि मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद के बांटने के संबंध में इनमें से सही नहीं है, तो सभी पुत्रों को समान रूप से संसाधन बांट दिए जाते थे, ज्येष्ठ पुत्र जो था वो थोड़ा अधिक भाग का अधिकारी होता था, पुत्रियों को भी जायदाद का हिस्सा मिलता था, गलत है क्योंकि पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलता था, ठीक है। पुत्रियों के संबंध में पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या होता था, तो हम सभी को पता है कन्यादान, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीते जी एक बार कन्यादान कर लिया तो समझ लो उसने दुनिया का सबसे बड़ा दान किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 21 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे इंग्लिश मीडियम में, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए इसको, आपका जो सोर्स दिया गया है, रही बात इसके क्वेश्चन आंसर की, यहाँ पे 21 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21.2 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंस क्या थी रिलीजियस ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, तो वो क्या है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कन्यादान, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों सेक्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, वो यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें हमारे तीन तीन नंबर के चार क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में अथवा जो कि पहले में ही आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अथवा भी दिया गया है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि
कि विजयनगर साम्राज्य के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में भी पूछा सकता है, तो आपको आंसर 8 नंबर के हिसाब से यहाँ पे बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली देखो, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारिक गतिविधियों के बारे में सबसे पहला पॉइंट आएगा घोड़ों का आयात। क्यों भाई? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का ये जो काल था, ठीक है ना, उस समय जो युद्ध कला थी, यानी कि अगर आपको युद्ध में जीतना है, ठीक है ना, अपना पलड़ा जो वो भारी रखना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती थी आपके पास में अश्व सेना होना। इसलिए आपने देखा होगा कि इसकी एक जो राजनीतिक खोज है, अमर नायक प्रणाली, जो कि सैनिक कमांडर हुआ करते थे अमर नायक, वो ज्यादातर अश्व सेना ही में शामिल होते थे, ठीक है ना, ताकि जब भी युद्ध वगैरह हो तो वो जिता सके, ठीक है। तो क्या होता था, संयुक्त राज्य अरब से, ठीक है, मध्य एशिया से, यहां से घोड़ों का आयात विजयनगर के एरिया में होता था। दूसरा है पुर्तगालियों का। जब 1498 में पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर आए, तो इन्होंने व्यापारिक अपने जो काम वगैरह थे वो शुरुआत कर दिए, और इसमें सबसे बड़ी चीज इनकी सामरिक केंद्र के। अब ऐसा क्या था, ऐसा ये था क्योंकि पुर्तगालियों के पास में ना सामरिक तकनीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बंदूक। अब आप देखो, एक तलवार और एक बंदूक को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा दूर तक और हाई तक और जिससे कंफर्म कि बंदा डेड ही हो जाएगा वो कौन होगा, बंदूक होगा। तो राजाओं को ये लगा कि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बंदूकें होगी तो हम युद्ध में और अच्छा जीतेंगे। तो अश्व सेना और बंदूकें, इनका व्यापार इसी वजह से हुआ ताकि युद्ध में जीता जा सके, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे व्यापारी जो थे वो बंदूकों का व्यापार करने लगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि विजयनगर के साम्राज्य में कुछ स्थानीय व्यापारी होते थे, इनको कई नाम से जाना जाता था, जैसे कि स्थानीय तौर पे इन्हें उदिराई, छेट्टी या फिर घोड़ों का व्यापारी वगैरह कहा जाता था। यहाँ की जो जनता थी, हम सभी को पता है कि वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध थी, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य की जनता ज्यादातर बड़ी बड़ी महंगी जो वस्तुएं होती थी, बड़े बड़े रत्न, ठीक है, महंगे महंगे जो आभूषण वगैरह थे, इनकी मांग करती थी, जो कि विभिन्न विदेशों से विजयनगर के एरिया में मंगवाई जाती थी, ठीक है। विजयनगर खुद जो था वो मसालों के लिए, वस्त्रों के लिए और रत्न के लिए, रत्न के बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इन सभी व्यापार के जरियों से जो भी इसे टैक्स, जो भी राजस्व प्राप्त होता था, वो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था इसको और इकोनॉमिकल मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी आप समझ गए कि विजयनगर की साम्राज्य की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो क्या क्या यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट लिखना, और 8 नंबर में पूछा जाए तो जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर देना आपकी तरफ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे अगला आ जाता है कि हम सभी को पता है विजयनगर के साम्राज्य में किलेबंदी की जाती थी, ठीक है, जो कि 7 स्तर की होती थी। अब इसमें से किसी एक स्तर में कृषि क्षेत्रों को भी रखा जाता था, जैसे कि खेत वगैरह हो गए, बगान वगैरह हो गए, इनको भी रखा जाता था। तो आखिर क्यों इन कृषि क्षेत्रों को इस किलेबंदी के अंतर्गत रखा गया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, क्यों भाई, देखो ये आप यहां से देख लो कि विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफी महत्व था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, बेसिकली जब विजयनगर साम्राज्य का काल था 1565 से पहले तक, तो उसे मध्यकाल बोलते हैं। तो मध्यकाल की युद्ध नीति थी कि आपके सामने वाला जो आपसे व्यक्ति, आपसे साम्राज्य, आपसे जो राजा लड़ रहा है, आप उसको अनाज से, खाने से, जितनी भी खाद्य प्रकार की समृद्धि सामग्री वगैरह है, इनसे वंचित कर दो। जब वो खाद्य सामग्री, अनाज वगैरह ले ही नहीं पाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा 1-2 महीने में क्या होगा कि वो जो है अपना सब कुछ अनाज खाद्य सामग्री खत्म कर चुका होगा, भूखे मरे होंगे, तो वो स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देगा। तो इसीलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कृषि क्षेत्रों को किलेबंद किया, ताकि जब कोई उन पे आक्रमण वगैरह करे और उनका पड़ा बेशक से कमजोर हो या फिर उन्हें टाइम चाहिए युद्ध के लिए, तो वो खाद्य सामग्री की रक्षा करें, ठीक है, और आने वाले समय में बहुत समय तक उसको यूज में ला सकें, ठीक है। इसीलिए अन्नागार और जो सिंचाई के स्थान वगैरह थे उन सभी को इसमें लाया गया, ठीक है। दूसरे किलेबंदी जो थी दूसरे स्तर की, इसमें नगरीय केंद्रों के अंतर्गत चारों ओर बनी हुई थी। अब एक व्यक्ति है अब्दुल रज्जाक, ये लिखते हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी, इनमें जुते हुए खेत, बगीचे और आवास, इनकी किलेबंदी की गई थी। तो इसमें से आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से,
एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे पहला वाला, फिर दूसरा और ये चौथा वाला, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, और जब पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में किलेबंदी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को क्यों रखा जाता था, तो आप बता देंगे, ठीक है। चलिए अभी आप आगे बात करते हैं इंग्लिश में कि एक्सप्लेन दी ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ विजयनगर अंपायर। तो हॉर्सेस का इंपोर्ट्स होता था, ठीक है, जो पुर्तगाली आई थी उनके बारे में, बंदूकों का व्यापार होता था, लोकल जो ट्रेडर्स थे उनको क्या क्या बोला था, यहाँ के पीपल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा बेसिकली अमीर थे, ठीक है ना, फॉरेन गुड्स मांगते थे, विजयनगर क्यों कैसे फेमस था, रेवेन्यू का क्या इंपॉर्टेंस था, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे आ जाएगा आपका कि वाई वाज एग्रीकल्चर एरिया कीप्ड इन दी फोर्टिफिकेशन एरिया इन विजयनगर, तो क्यों रखा जाता था, इसके बारे में देखेंगे कि मिडिवल वॉर की पॉलिसी ये कहती थी, और ये पॉइंट, और यहाँ पे अब्दुल रज्जाक की बात, सी आप लिखना, बाकी ए बी डी लिख देना, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज तक उसकी जो लिपि है इसे नहीं पढ़ा जा सका है, इसीलिए इसके बारे में जो भी हमारे पास जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य है, मृदभांड वगैरह, उससे ही हमारे पास जानकारी प्राप्त है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक राजाओं के बारे में जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्ववेद हैं, इनके क्या मत हैं, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के मत हैं वो हम यहाँ पे समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो कि आखिर हम ये सोच कैसे सकते हैं कि यहाँ पे शासक रहे होंगे, क्योंकि देखो जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल भारत में ही नहीं पाकिस्तान में फैली हुई थी, कई लाख वर्ग किलोमीटर में थी, ठीक है ना। तो ऐसे में इस पूरी सभ्यता के हर एक क्षेत्र में समाज में कार्यों को करने के लिए, फैसलों के क्रियान्वयन करने के हमें संकेत मिलते हैं। अब इतने पूरे बड़े एरिया में कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, ठीक है, या तो बहुत सारे राजा वगैरह रहे होंगे, या तो जैसे अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसा एक प्रशासनिक तंत्र रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी के बारे में तीन मत राजाओं के बारे में हमारे सामने आते हैं। पहला मत यह कहता है कि यहाँ पे कोई भी शासक नहीं था, ठीक है, और हर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति यानी कि वो नॉर्मली बहुत ही अमीर हुआ करते थे, ठीक है। तो पहली क्या है, शासक थे ही नहीं। दूसरा मत यह है यहाँ पे एक शासक नहीं था बल्कि बहुत सारे शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी, बनावली, कोटतेजी, चौंदड़ो, हर एक जगह का जो भी नाम है सबका अपना एक अलग अलग राजा होता था, ठीक है। लेकिन तीसरा मत ये कहता है कि भैया यहाँ पर एक ही राजा था। अब ये परिकल्पना बहुत ही सही है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा पुरावस्तु में समानता, जैसे कि ईंटों का आकार एक ही जैसा होता था, ऊंचाई चौड़ाई वगैरह एक ही होती थी, कुछ बस्तियां कच्चे माल के स्रोत के समीप बेसिकली लगाई जाती थी, ठीक है, जो नालियां वगैरह थी इनका ग्रिड पद्धति में निर्माण था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी एक राजा होने की ओर बेसिकली संकल्प दिलाती हैं, यानी कि ये जो अंतिम परिकल्पना है ये हमारे यहाँ पे राइट बैठती है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी को देखिए इंग्लिश में कि देयर वॉज ऑलवेज बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमोंग आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रूलर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्लैरिफाई। हाँ बिल्कुल है, पहला ओपिनियन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ओके। तो आई होप क्वेश्चन 23 आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन ये है कि जो इब्न बतूता था, ठीक है, इसके अनुसार भारत की जो संचार की प्रणाली थी ये बहुत ही अनूठी थी, बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही तेज कह सकते हैं ऐसी थी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों कहा है उसने और कौन सी डाक प्रणाली की उसने बात की है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ऐसा इब्न बतूता इसलिए कहता है, वो ये कहता है कि डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करने में 50 दिन लगते थे, तो वहीं अगर कोई खबर सुल्तान तक पहुंचानी है गुप्तचरों को तो वो मात्र खबर 5 दिन के अंदर पहुंच जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पे दो तरह की जो डाक व्यवस्थाएं थी उसमें एक सबसे ज्यादा सफल थी, ठीक है ना। तो दो डाक व्यवस्थाओं में सबसे पहली है अश्व डाक व्यवस्था। यह डाक व्यवस्था हर 4 मील पर राजकीय घोड़े के द्वारा संचालित होती थी, ठीक है, और जो घोड़े थे ये संदेश को लेकर जाते थे जिसे उल्लूक कहा जाता था, ठीक है। अब पैदल डाक व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से समझिए। पैदल डाक व्यवस्था को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, ठीक है, और ये जो है बेसिकली 1 मील को दर्शाता है, ठीक है ना, 1 मील को दर्शाता है, जिसमें पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है और तीसरा स्थान ये है। तो प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, इनको क्या बोला जाता था, अवस्थान बोला जाता था, ठीक है, या फिर इन्हें दावा भी कहा जाता था, ठीक है। अब एक अवस्थान से, एक दावे से निकलता हुआ जो संदेश वाहक है
वो अपने एक हाथ में तो पत्र पकड़ लेता था और दूसरे हाथ में छड़ पकड़ता था जिसमें घंटियां बंधी होती थी, ताकि जब वो इस दूसरे वाले दावे के पास तक पहुंचेगा तो जो जैसे ही कुछ दूरी तक ये यहाँ पे जो शिविर में बैठा हुआ बंदा रहेगा ना, दावे में बैठा हुआ बंदा, उसे आवाज सुनाई देगी और वो भी एकदम से रेडी हो जाएगा। और जैसे वो आएगा यहाँ से, वो भी एकदम से दौड़ेगा और यही प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक कि संदेश गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाता था। और ये मात्र कुछ 5-6 दिन के अंदर ही हो जाता था। इसीलिए इब्न बतूता ने भारत की जो संचार प्रणाली है उसको अनूठी संचार प्रणाली कहा है। ठीक है बच्चों, अब इस आ जाइए इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में आप आंसर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इंडियाज कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अ यूनिक सिस्टम। यस, तो क्या है, हॉस्ट पोस्ट सिस्टम था। क्यों कहा गया पहले ये समझ लो, हॉस्ट पोस्ट सिस्टम एंड पोस्टल सिस्टम ऑन फूट, इस तरीके से तो आप यहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें देखोगे तो आपको 2 अथवा मिल गए ना, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी में एक ही मिलेगा, मैंने 2 लिए ताकि आपको क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा में समझा सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो महाभारत ग्रंथ है इसका कोई एक लेखक नहीं है बल्कि समय समय पर अनेक इसके लेखक रहे हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है तो ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले है ऋषि व्यास, फिर दूसरे भाटसाथी, फिर ब्राह्मण और एक चौथा जो है वो नाम नहीं बल्कि एक समय है। तो ऋषि व्यास का क्या रोल है? बेसिकली अगर हम बात करें महाभारत के लेखक की तो वो लिखी तो गई है भगवान श्री गणेश जी के द्वारा, लेकिन साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस वृत्त रचना के रचयिता ऋषि व्यास जी माने जाते हैं। दूसरे भाटसाथी आ जाते हैं, बेसिकली ये महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे और ये क्या करते थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ में, राजाओं के साथ में युद्ध क्षेत्र में जाते थे। ठीक है, और वहां पर ये टेक्निक अपनाते थे कैसे बेसिकली अपने शत्रु को हराते थे। ठीक है, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी विजय के बारे में कविताएं लिखते थे और फिर आगे चल के धीरे धीरे इनको महाभारत में ऐड कर दिया गया। फिर आए ब्राह्मण। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने महाभारत में अपना योगदान देना या फिर इसको लिखना शुरू किया और ये वह समय था जब महाभारत की कहानी कुरु और पांचाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। और चौथा, ये कोई नाम नहीं, ये एक समय है जब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में जब विष्णु देवता की आराधना श्री कृष्ण के रूप में की जाती थी, तब उस समय भी महाभारत का जो लेखन था वो कार्य किया जा रहा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं महाभारत के ग्रंथ के लेखक के बारे में। ठीक है बच्चों, ओके, तो आई होप 25 का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अथवा की। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हो सकता है कि आपके पेपर में ये 8 नंबर में भी पूछा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि महाभारत काल में जो स्त्री के गोत्र के नियम थे ये क्या थे, आपको बताने 2 नियम थे। ठीक है, ये बताएंगे, उसके बाद क्या इन नियमों का सर्वत्र पालन होता था या नहीं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 3 या 8 नंबर में दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो आइए इसके आंसर को करेंगे। देखिए, गोत्रों के नियम से पहले, ठीक है, आप ये समझिए कि प्रत्येक गोत्र का जो नाम था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था और जो सदस्य थे वो उस वैदिक ऋषि के वंशज माने जाते थे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये जो एक ए व्यक्ति है, ठीक है, इसका गोत्र मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए भारद्वाज है। ठीक है, इसका गोत्र मान लीजिए भारद्वाज है। तो भारद्वाज जो इसका गोत्र क्या दर्शाता है कि ये भारद्वाज नामक जो ऋषि है उसके वंशज है। ठीक है ना, तो पता चल गया गोत का आधार क्या था। अब गोत के नियम समझिए, 2 नियम थे। पहला नियम स्त्रियों के लिए ये था कि जब विवाह होगा स्त्रियों का तो उन्हें अपने पिता के स्थान पर जो पति का गोत्र है ये अपनाना होगा। जैसे पिता का जो गोत्र है भारद्वाज है और पति का गोत्र उससे अलग है, तो अपने पिता का छोड़कर उसे पति का गोत्र अपनाना होगा। ठीक है, दूसरा, एक ही गोत्र के जो सदस्य थे वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। जिसका एक जैसा गोत्र है वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकता। अब ध्यान से समझो, इन दोनों ही गोत्रों का नियम वैसे तो होता था लेकिन हमें इसके कुछ अपवाद भी देखने को मिले। अब वो क्या कहें, ध्यान से समझिए। सबसे पहला अपवाद है बच्चों, सातवाहन शासन का। कैसे भाई? क्योंकि देखो, कुछ सातवाहन राजा जो थे इन्होंने बहुपत्नी प्रथा, अर्थात इन्होंने एक से अधिक पत्नियों को रखा। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि इन पत्नियों को उनके पति के गोत्रों के नाम से नहीं बल्कि उनके पिता के गोत्रों के नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि बहुत सारी रानियों का गोत्र गौतम था या फिर वशिष्ठ था, और ये जो गोत्र थे ये उनके पति के नहीं, ये उनके पिता के थे। तो पहला आपको समझ में आ गया
कि जो शादी के बाद में पिता के सामने पति का जो गोद अपनाना होता है उसका उल्लंघन हो गया ना, अपवाद मिल गया उसका। अब दूसरा विवाह संबंध की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा ये बताया गया कि जैसे बांधव, ममेरे, चचेरे, ठीक है ना, इत्यादि भाई बहन के साथ में जोड़े गए विवाह संबंध की वजह से एक सुसंगठित समुदाय उभरा था। चौथा पॉइंट, सातवाहन राजाओं को हमेशा उनके मात नाम से संबोधित किया गया, अर्थात उनकी माता का जो नाम था उनके नाम से ही सातवाहन राजा को संबोधित किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे माताएं भी महत्वपूर्ण रही होंगी, लेकिन सिंहासन के उत्तराधिकारी के बारे में पितृवंशिकता ही होता होगा, ठीक है ना, इसीलिए ये चीज। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि गोत्र के जो दो महत्वपूर्ण नियम थे इनका सर्वत्र पालन नहीं होता था, इसके दो अपवाद क्या हैं उसके बारे में, ठीक है। ओके, तो अब इन क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि वाज देयर एनी वन ऑथर ऑफ महाभारत और वर देयर मेनी ऑथर्स ऑफ महाभारत। तो यहाँ पे बहुत से थे, जैसे कि ऋषि व्यास, भाटसात्य जिन्हें सूत कहा जाता था, ब्राह्मण, और एक अदर था टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद What were the roles of women's gotra during the Mahabharat period and were they followed everywhere? तो यहाँ पे हम बताएंगे दो important role थे। उससे पहले गोत्र का आधार क्या होता था, एक वैदिक जो शेख था इसके नाम पे होता था, ठीक है। दो इसके नियम थे, पहला दूसरा, पहले का जो बेसिकली अपवाद वो यहाँ पे जाता है और सेकेंड का जो है आपका यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो सेक्शन नंबर था सी, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि अब जो है हमारा अगला सेक्शन जो आएगा वो रहेगा सेक्शन नंबर डी, ठीक है, सेक्शन डी रहेगा, जिसमें 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, और जिन तीनों ही क्वेश्चन में आपको अथवा भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि 8 नंबर के 6 क्वेश्चन हम पार्ट 2 की वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन जो ई रहेगा आपका, इसमें 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे स्रोत आधारित, और एक 5 नंबर का आपका मैप रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्ट 2 की जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट भी आपको दे दूंगा, जिससे कि बाकी के जो और सैंपल पेपर बच गए हैं, ठीक है ना, अगर पार्ट पेपर 1 और 2 की आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, ठीक है। वेल, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक जो है ना वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो उस वीडियो को, ताकि उन्हें पता चल जाए कि सैंपल पेपर नंबर 3 आ चुका है और फिर से तैयारी करते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।